जा रहे हैं यहाँ, वो आपको भी बताते हैं खाना वाना खा के, कैब भी ऑर्डर करनी है मतलब, उसके बाद फिर आप लोगों को बताते हैं कि क्या। गाड़ी स्टार्ट भी है अपनी, गाड़ी चालू है। अरे ऐसा नहीं, अरे पेट यार। बाबा लोगों को गुड मॉर्निंग, बड़े बुजुर्गों को प्यार नहीं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को प्यार नहीं, बड़े बुजुर्गों को प्यार भी है वैसे, लेकिन प्रणाम कह के थोड़ा सा मतलब एक फील आ जाता है ना कि चलो सुबह की शुरुआत अच्छी हुई है। तो स्वागत आप सब लोगों का मेरे नए व्लॉग में, और आज का दिन है सनी, आज दिन है बड़ा सनी 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 सनी। तो बस सुबह चालू, घूमने उमने का प्लान है, थोड़ा घूमने जाएंगे एक जगह। अभी फ़िलहाल मैडम बना रही है नाश्ता, नाश्ते में बन रहा है हलवा। वैसे तो हलवा पिछले 3-4 साल से बन रहा है हमारा, लेकिन हमने कहा आज सूजी का बना दो भाई, हमारे हमेशा बनाते रहोगे हलवा, तो आज सूजी का हलवा खा लो। तो वो हलवा बनाती है, नाश्ता करते हैं, फिर थोड़ी देर अपना रिलैक्स होते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं घूमने के लिए। थोड़ी सी बड़ी प्यारी जगह जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो घूमाते हैं थोड़ा यार, देखो कब तक घर पे रहेंगे, घर पे रह के इंसान पक जाता है, और हम तो पहले से ही पके पकाए हैं। तो चलते हैं, पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं, देखें यार बना नहीं बना है हमारा नाश्ता अभी तक। तो ये बन रहा हलवा, ये हलवा हो गया है कि ये पानी हो गया बेटा, ये बनेगा यार, क्यों कुछ भी खिला रही है आज, देख रहा हूँ मैं। तो इसका एक फंडा हो चुका है कि कुछ भी खिला दो इसको, चले सब चले। अब सीधा साधा आदमी मिला है ना यार, कोई मिलता चटक आदमी तब पता लगता, सीधे आदमी की बात ही अलग होती है। चलाओ हलवा, चलाओ लोहे की कढ़ाई में कौन हलवा बनाता है यार, उसको लोहे की कढ़ाई में हलवा बनाते हैं बताइएगा जरा सा, मैंने तो कभी देखा नहीं लोहे की कढ़ाई में हलवा बनते हुए, एल्यूमिनियम की कढ़ाई में या उस कढ़ाई में बनता है। नॉन स्टिक नहीं खाना है, नॉन स्टिक मैं भी अवॉइड करता हूँ। चलो कोई नहीं यार, मजबूरी का नाम समझ जाओ। तुम्हें आयरन वाला हलवा मिलेगा, लोहे की कढ़ाई में बनता है। मैं आयरन मैन नहीं बनना चाहता हूँ, लोहेदार आदमी बन जाऊंगा मैं, लोहे दा बंदा बन जाऊंगा, लोहे दा बंदा। चलिए दोस्तों हलवा हलवा खाते हैं, फिर देखते हैं, क्योंकि दिन में निकलेंगे अभी टाइम, अभी तो सुबह हो रही है, 9:30 बज रहा है अभी। तो हलवा हलवा खा के फिर अपना रेडी वेडी होगा, फिर निकलेंगे। तो हम हो गए दोस्तों बस नहा धो के रेडी, तो अपना खाना वाना खाते हैं और निकलते हैं फिर घूमने करने हम जा रहे हैं यहाँ, वो आपको भी बताते हैं खाना वाना खा के, कैब भी ऑर्डर करनी है मतलब बुक करनी है, कैब बुक करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को बताते हैं कि क्या खा रहे हैं हम। तो खाने में आज बनाया है हमारी धर्म पत्नी ने, क्या बनाया, कड़ी, पकौड़े वाली कड़ी खाएंगे और चावल खाएंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे। दोस्तों कैब अपनी आ रही है, कैब का वेट कर रहे हैं और फिर निकलते हैं, कैब अपनी आ ही गई है, बस वो सामने से नीली वाली आ रही है, वही अपनी कैब है, उसी कैब में हम लोग निकल जाएंगे। वॉलेट घर में भूल गया था, टाइम पे याद आ गया, वॉलेट लेने गई है अभी मैम साहब, तो आ गई कैब, चलिए चलते हैं अब निकलते हैं।
Look. Yeah, try and go further. Try and go farther than ever without a burner. Feeling like I never quit moving, I am a learner. And learn that the higher you get, they wanna earn you. But I gotta keep moving, I know what the mission is. Eye on the prize, man, I know what the vision is. Train for the fight, man, I'm doing conditioning. If I fall down, man, I'm going to get it in, you know. Man, I hang out with thugs, throwing some poets. Told me take a high, no hang around with the lowest. Shoot for the sky, you aim high and you blow it. Never take no for an answer, keep going, just breathe. दोस्तों हम आए हैं यहाँ द कॉल्डिकॉट। तो दोस्तों हम आए हैं कॉल्डिकॉट लेक। ये एक्चुअली यहाँ की बकिंगम सायर जिस काउंटी में हम रहते हैं, मतलब इसको एक तरीके का आप डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए, तो ये डिस्ट्रिक्ट है बकिंगम सायर। तो यहाँ की सबसे बड़ी लेक है। और मेरे को ये सुनने में आया था कि ये मतलब अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे सबसे खूबसूरत लेक भी इसी को ही वो मिला है, उसका अवार्ड इसी को मिला है। तो काफ़ी बड़ी लेक है और यहाँ पे सही है काफ़ी सीन सान, क्योंकि यहाँ पे कयाकिंग वगैरह काफ़ी होती है। अगर आप देखें सामने से तो वहाँ से कयाकिंग हो रही है और काफ़ी बड़ी लेक है, बहुत बड़ी लेक है, बहुत बड़ी। और सामने में आपका रेस्टोरेंट टाइप का भी है, मतलब वहाँ पर बैठ के बच्चे उच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, प्लस आपका बच्चों के खेलने का भी है वहाँ पे। और वहाँ पे क्लब वगैरह भी, क्लब नहीं मतलब बार वगैरह भी है, तो जिसको ड्रिंक व्रिंक्स लेनी है वो वहाँ पे अगर आप देखें तो सब बैठे हुए अपनी ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए। ये देखिए सब वहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे लेक का मज़ा ले रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये और मज़ा आ रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। और बहुत बड़ी लेक है दोस्तों, बहुत बड़ी। और ये देखिए ये कर रहे हैं यहाँ पे कयाकिंग। ये देखिए ये कहाँ अपना अपना कयाक लेके आओ और फिर कयाकिंग करो। तो चलते हैं इसके चक्कर वक्कर मारते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे, और आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों सही में बहुत बड़ी लेक है। अभी हम इस छोर में आ गए इसके, वो पीछे वाला एरिया छोड़ के। तो यहाँ पे भी बढ़िया अपनी बोटिंग वोटिंग हो रही है वहाँ सामने देखिए, लेकिन यहाँ पे वैसी वाली बोटिंग नहीं हो रही। अगर आपने मेरा विलन लेक वाला देखा होगा वैसी बोटिंग नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ी सी अलग बोटिंग है। तो ये शायद इनकी अपनी होती होगी या ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन लग बड़ा सही रहा है सीन यहाँ पे। ये यह हमारे घर के पास में ही है, 10 मिनट लगे थे कैब में हमें पहुँचने में यहाँ पे। तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे दोस्तों देखने देखने में। तो हम दोस्तों वहाँ से पैदल चलते 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 ऐसे अंदर ही अंदर घूमते हुए ये रोड के नीचे से और यहाँ से आए हम। तो उस साइड का मैंने आपको दिखाया, उस साइड की तो पहले से ही बड़ी है, और अभी इस साइड का है। तो इस साइड की भी काफ़ी बड़ी दिख रही है, बहुत दूर तक दिख रही है लेक। चलिए घूमते हैं अपना, देखते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों जेब से मोबाइल निकालने में कांड हो गया, देखिए ये टूट गया पूरा यहाँ से, तो साइड से तो पूरा ही टूट गया है, चकनाचूर हो गया स्क्रीन। लेकिन इसकी अभी भी चल रही है, स्क्रीन चल रही है फिलहाल। तो सैमसंग का ये है भाई साहब, मजबूत फ़ोन है, स्क्रीन इसकी अभी भी चल रही है। लेकिन जो है ये अब इसकी कहानी ख़त्म हो गई है। देखिए एक्चुअली जेब से निकाल रहा था और फट इस ये ऐसे पत्थर वाला वो रास्ता है ना, तो इसमें टूट गया पूरा। ये फ़ोन मेरा काम बताता था ऐसे छुटमुट कामों के लिए, लेकिन इसका कांड हो गया दोस्तों। ये फ़ोन हमारे पिताजी का था यार, हमारे पिताजी ने दिया था ये फ़ोन हमको यहाँ आने से पहले, और इसका कांड हो गया दोस्तों। बहुत बहुत ज़्यादा मलाल हो रहा है दोस्तों इसका, मेरे चेहरे से आपको मलाल दिख रहा है, थोड़ा सा गौर से देखिए आपको मेरा चेहरे से मलाल दिखेगा। यहाँ बहुत ज़्यादा मूड अपसेट हो गया अब मेरा, अब मन कर रहा है कि मैं बस वापस ही चल दूँ। हालांकि इस फ़ोन में मेरा ये बटन भी नहीं दब रहा है, इसका साइड वाला बटन है, ये बटन दब नहीं रहा है। अब बहुत ही बहुत तेज़ दबाना पड़ रहा है, क्योंकि ये साइड से टूट गया है ना, तो इस वजह से। ये तो अच्छा था कि ज़्यादा महंगा फ़ोन नहीं था दोस्तों, वरना और ज़्यादा मलाल होता।
अपना कोई आईफोन नहीं गिरा, यही वाला गिरा, तो इसीलिए मैं जो है आईफोन की ज़्यादा केयर करता हूँ। और ये फिर भी ये सस्ते फ़ोन अपने लोकल काम के लिए सही यूज़ होते हैं, मतलब अपना कुछ भी छोट मोट काम करना है, कुछ देखना वेखना है, उसके इसके लिए बहुत सही यूज़ होते हैं। और आईफोन से मैं खाली व्लॉगिंग ही करता हूँ बस, इसके अलावा और कुछ नहीं करता हूँ। लेकिन अपना नुकसान तो हो ही गया, बहुत बड़ा वाला नुकसान हो गया दोस्तों। नूनी 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 मेरा मुंह ही ऐसा है दोस्तों, मेरा मुंह ऐसा है दोस्तों, मैं ऐसे ही बात करता हूँ दोस्तों, मेरी बातचीत ऐसे ही निकलती है दोस्तों। तो अब इस चटोरी का हो गया है आइसक्रीम खाने का मन, वो भी कौन वाली, देखते हैं कौन सी खाती है। मैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी, इसको कौन सी खानी है देखते हैं। अभी सिलेक्ट कर रही है ये, अभी फाइनली इस चटोरी की आइसक्रीम सिलेक्ट हो गई है। भाई ने मस्त खोल रखा है गाड़ी में ही, गाड़ी स्टार्ट भी है अपनी, गाड़ी चालू है, वो फ्रीजर वगैरह के लिए चालू रखनी पड़ती होगी भाई को। ले लेते हैं पहले ये आइसक्रीम, ले ले एक बार चटोरी कहीं की, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। फिर हम बहुत देर घूम लिए, तो भाई ने अभी हिंदी भी बोली। यू स्पीक इन हिंदी फ्रॉम इंडिया? यू आर फ्रॉम इंडिया? यू आर फ्रॉम इंडिया? हाँ हिंदी, हाँ ओके। नहीं थोड़ी हिंदी भी बोली ना आपने, आपके लिए हिंदी है, मेरे लिए उर्दू है। अच्छा, हमारी जुबान ये उर्दू है, इंडिया में इसको हिंदी बोलते हैं। ओके ओके, पाकिस्तान में इसको उर्दू बोलते हैं, हमारे जुबान में। तो आप पाकिस्तान से हैं? तो यहाँ पे यहाँ के सिटीजन सेटल्ड? ओके ठीक, तो भाई हमारे पाकिस्तान से हैं। आई एम हैविंग ए स्मॉल व्लॉगिंग चैनल। चलिए तो चलिए दोस्तों निकलते हैं यहाँ से। अरे नहीं, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे ऐसा नहीं, अरे पेट यार, अरे नहीं नहीं ऐसा थोड़ा ना होता है। अरे नहीं, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा खाएगा क्या? अरे नहीं, अरे ऐसा मत करिए, ध्यान समझ के दे रहा हूं, कोई बात नहीं है। अरे ऐसा मत करिए, ठीक है कोई बात नहीं। तो दोस्तों इन्होंने फ्री में दे दिए, फिर नेक्स्ट टाइम अब दो लेनी पड़ेगी ना हमें। तो दोस्तों फ्री इन्होंने चॉकलेट वो कौन दे दिए इसको बहन समझ के, और ये मस्ती से खा भी रही है। शर्म ले आया यार, एक नाम की चीज़ नहीं है। चलिए थैंक यू दोस्त, थैंक यू। चलिए तो दोस्तों बताओ, फ्री दे दी उन्होंने, बताओ पाकिस्तानी भाई होगी यार, बात अलग है। मतलब कि फ्री में कौन दे दी वो आइसक्रीम दे दी इसको, सही है। चलो अब कैब वैब करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। अरे भाई गाड़ी नहीं होती ना बेटा, ऐसे पकड़ता दोनों हाथों को और ऐसे कर देता फिर से। तू करेगी यही उम्मीद रख सकता हूँ मैं अब, एक है ना, और अच्छी उम्मीद तो है नहीं। चाहती है कि ऐसे करूँ हैं? तो दोस्तों पार्क से आए, खाना वाना खाया, टाइम हो गया 9, थोड़ा सा अपना सीरीज वीरीज देखते हैं और रेस्ट करते हैं आराम से अपना चिल। और आज आइसक्रीम फ्री में खाई है उसने, तो खुशी वाली बात तो क्या ही है, मतलब अब फ्री में लेना नहीं चाहते थे लेकिन अब उनने लिया ही नहीं, अब कार्ड की मशीन ही भाई ने छुपा के रख दी। तो अच्छा लगा भाई से मिलके, तो अच्छा है, प्यार होना चाहिए देखो दोस्तों। बाकी पैसा आज है कल नहीं है परसों फिर है, और वैसे भी जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तो मेरा है ही है। तो चलिए दोस्तों खाना वाना खा लिया, अब चलते हैं सोने के लिए, मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग में। तो हो सकता है या तो हम कल घूमने के लिए जाएँ, या हमारा प्लान बन रहा है कल कुछ अच्छा कुछ बना के खाने का, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं कुछ अच्छा बना के नहीं खाया। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद।